तो आज के इस डैशबोर्ड में ये केपीआई डैशबोर्ड है, ठीक है, ये आपको नेट पे भी मिल जाएगा, चंदू वाला डैशबोर्ड है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि ये कंट्रोल्स जो मैंने आपको कल बताए थे उसका यूज़ हुआ है, वो कैसे हुआ है, कैसे इसकी कैलकुलेशन बिठाई गई है, ठीक है। अब इस पे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पैनल देखते हैं कि ये कर क्या क्या रहा है, अब फिर वो किया कैसे है, ठीक है। पहला ये स्पिन बटन है जो क्या करेगा, आपके सिलेक्टेड वाले को, सिलेक्टेड केपीआई को, पांच केपीआई हैं इसमें, उसको सॉर्ट करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो ये सॉर्ट कर दे रहा है, ठीक है। दूसरा, जब मैं ये रेडियो बटन क्लिक करता हूँ तो ये क्या होता है, ये सॉर्टेड ऑर्डर में, या तो लोएस्ट टू हाईएस्ट या हाईएस्ट टू लोएस्ट, ये साइन है, ये जो आपको एरो दिख रहा है ना, इसका मतलब है लोएस्ट टू हाईएस्ट, ठीक है। तो ये एरो ही बदलता है आपका, ठीक है। तो जब दूसरे के पी आई को करता हूँ, तीसरे को, किसी को भी करता हूँ, तो वो सॉर्टेड ऑर्डर में सॉर्ट हो जाता है, प्लस उसके साथ के जो अदर के पी आईज हैं वो भी इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं भाई जैसे के पी आई फोर में सॉर्टिंग देखना चाहता हूँ, तो ये सॉर्टिंग है, बाकी के पी आईज का क्या हाल है वो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। स्क्रॉल बार है, स्क्रॉल बार क्या कर रही है, डेटा को अप कर रही है, अप डाउन यहाँ से आप कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि ये दो निशान है, जब ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगा तो यहाँ से वो निशान हट जाएगा, ऐसे ही वो लोएस्ट पॉइंट पे होगा तो निशान हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो लगा हुआ है कि कोई भी कंट्रोल कर रहा हूँ तो एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो रही है, ग्रे हो जा रहे हैं सारे बॉक्सेस, ठीक है। और क्या हो रहा है इसमें, ये चार्ट बना हुआ है, ठीक है। ये चार्ट देखेंगे कैसे बना हुआ है, वो आपका रिलेटेड डेटा पे है, तो ये सब एक साथ कैसे किया हुआ है, क्या कैलकुलेशन लगी है वो देखते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि डेटा क्या है हमारे पास। डेटा बहुत सिंपल है, प्रोडक्ट्स हैं, ये 100 प्रोडक्ट हैं, उनकी केपीआई वैल्यू है, और ये हमारे पास टारगेट है, ठीक है। तो अभी इनको देखते हैं कि कैसे किया हुआ है, इनको कैलकुलेशन में आ गए। ये एक्चुअल पोजीशन, मिनिमम पोजीशन जो है हमारा किसके लिए है, मैक्सिमम पोजीशन स्क्रॉल बार के लिए, ये यहाँ से लिंक्ड है इसकी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद इसमें और क्या है, सॉर्ट बाय, पहला केपीआई, दूसरा केपीआई, तीसरा केपीआई, किसके किससे सॉर्ट होना है, तो ये रेडियो बटन की वैल्यू है जो यहाँ से आ रही है, ठीक है। उसके बाद सॉर्ट ऑर्डर, असेंडिंग में रहना है, डिसेंडिंग में रहना है, तो 1-2 करके आता है, यानी कि किससे, स्पिन बटन से, यहाँ जो स्पिन बटन है इससे। तो इसमें इतने ही कंट्रोल यूज़ हुए हैं जिनकी वैल्यू इन्होंने यहाँ पे ली हुई है, ठीक है। ये इनपुट लिस्ट और ये एक्सेस, ये दूसरे चार्ट्स के लिए, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ ये देखेंगे, इतना सेक्शन। तो इस इन्होंने क्या किया, उस डेटा को लिंक लगाया है, अभी जैसे 1 करके फिर एक फार्मूला लगा दिया +1, ठीक है, तो ये 1, 2, 3, 4 कर दिया। दूसरा, इन्होंने लिंक लगा दिया है डेटा को, डेटा D12 से शुरू हो रहा है, तो वही 100 प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने इसको सॉर्ट किया है, पहले तो सॉर्ट कैसे किया है, ऑफसेट डेटा D12, ठीक है, मतलब कि यही डेटा वहाँ पे D12 रो में क्या दिया है इन्होंने, 0, मतलब सेम रो, और कॉलम माई सॉर्ट क्राइटेरिया, ठीक है, नंबर में आता है, तो माई सॉर्ट क्राइटेरिया भी नंबर ही, यहाँ पे ये जो सॉर्ट बाय है ये नंबर ही ले रहा है रेडियो बटन से, 1, 2, 3, 4, 5। तो उसी तरह से ये कॉलम ले लेगा कि पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, ठीक है। अगर डेटा में देखो तो इसने यहाँ पे ये रख दिया कर्जर ऑफसेट के लिए, तो अगर वहाँ 1 आया तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये इस तरह से वो वैल्यू पिक कर लेगा,
ठीक है, तो मतलब कि जहाँ पे जो नंबर यहाँ पे होगा कैलकुलेशन में, जो नंबर यहाँ पे तीसरा नंबर होगा, तो ये तीसरे की वैल्यू आ जाएगी, पहला होगा पहले की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, उस प्रोडक्ट की। अब इसने क्या किया है कि जैसे मान लो 284 है प्रोडक्ट वन के आगे, 284 किसी और के भी आगे हो सकता है, तो हमें कैसे पता पड़ेगा कौन से प्रोडक्ट का है ये। तो इसने क्या किया, वैल्यू को यूनिक कर दिया। यूनिक करने के लिए इन्होंने क्या किया, ये प्लस किया इस वैल्यू में 1 करोड़ या कुछ भी, मतलब मैक्सिमम जीरो लगा के डिवाइड कर दिया सीरियल नंबर से, मतलब कि इसके पास क्या वैल्यू आई, 284.0000 लास्ट में इनके सीरियल नंबर आ गए 1 2 3 4 5, तो क्या हो गई, वैल्यू यूनिक हो गई है ना। मतलब इसके आगे 001 लग जाएगा छोटे से में, बहुत पॉइंट में तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, और नीचे वालों के आगे 002 003, इस तरह से, तो वैल्यू हो गई अब यूनिक, ठीक है। ये यूनिक वैल्यू अभी अपने प्रोडक्ट के सामने है। अब शॉर्ट वैल्यू उठानी है, ठीक है, शॉर्ट वैल्यू में इन्होंने क्या किया है, सॉर्टिंग करवानी है कि असेंडिंग डिसेंडिंग करवाना है, तो इन्होंने क्या किया, शॉर्ट ऑर्डर, चूज का फार्मूला पता है किस लिए यूज़ होता है, चूज का मैंने बताया था कि इंडेक्स नंबर के बेस पे, जैसे 1 2 यहाँ आएगा तो वैल्यू 1 और वैल्यू 2 में स्विच करेगा, ठीक है। तो पहला फार्मूला जो है वो इस लार्ज का है, मतलब अगर 1 आया तो लार्ज वैल्यू यहाँ पे दिखाएगा, और 2 आया तो स्मॉल वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ये के होता है, के होता है फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, तो मतलब कि यहाँ पे अगर 1 आया तो ये लार्ज का फार्मूला चल रहा है, 2 आया तो स्मॉल का फार्मूला चल रहा है, वो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में तुम्हारी वैल्यू को कर देगा, किसको, इस यूनिक वैल्यू को, ठीक है। अब ऑर्डर तो सॉर्ट हो गया, पर अब निकालना है कि इसकी पोजीशन क्या है, इससे रिलेटेड प्रोडक्ट कौन सा है, इसीलिए यूनिक किया था उसको। तो इन्होंने इसका निकाला किससे, मैच से, ठीक है। मैच क्या करेगा, इस वैल्यू को किस में फाइंड कर रहे हैं, ये यूनिक में, ठीक है। तो ये बता रहा है कौन सी पोजीशन पे है, तो बताया 8वीं पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट 7 के आगे देखोगे तो ये वैल्यू प्रोडक्ट 8वें में ये वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है। तो मैच ने बताया कि 8वीं पोजीशन पे है आपकी रेंज में। अब पोजीशन आ गई इनकी, अब पोजीशन के साथ इन्होंने निकाल लिया प्रोडक्ट नेम, ऑफसेट लगा के डेटा से इस बार रो निकालिए, 8वीं वैल्यू 9वीं वैल्यू, तो इस पोजीशन के साथ का प्रोडक्ट आ गया, मतलब वैल्यू सॉर्ट हुई और कौन सा प्रोडक्ट है वो आ गया, ठीक है। अब आपके पास प्रोडक्ट आ गया है तो बाकी KPI भी आ जाएंगे, ठीक है। ये प्रोडक्ट फाइंड करके इसके बाकी KPI से ऐसे ही किया है कि इसी रो से और वैल्यूज ले ली गई हैं, ठीक है। तो मतलब कि अगर हम पहला वाला दूसरा वाला कॉलम सॉर्ट करते हैं, तो यहाँ से सॉर्ट होके पोजीशन आ गई, तो दूसरा वाला आपका ये सॉर्टेड आ गया, बाकी एज इट इज़ डेटा आ गया इनका, समझ आया। तो हमारा पहला चरण यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इस वैल्यू को, ये जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है, ये सॉर्टिंग और वो सब चल रहा है इसके अंदर। अब ये डेटा को कल मैंने बताया था स्क्रॉल बार में कैसे दिखाना है, तो सेम चीज़ इन्होंने यहाँ स्क्रॉल बार लगाई है, और ये आपका ऑफसेट का वही फार्मूला लगाया है कि कैलकुलेशन E5। अब देखें क्या क्या लिया है, J22 पहले रेफरेंस लिया है कैलकुलेशन में, तो कैलकुलेशन में J22 रेफरेंस है आपका ये वाला, ये यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेशन E5 जो होगी इसकी रो होगी, तो ये रो कहाँ से ले रहा है, E5 से। कैलकुलेशन E5 आपकी हो गई ये एक्चुअल पोजीशन स्क्रॉल बार की, ठीक है।
तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ से जैसे पांचवी वैल्यू उठा ली, छठी वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी वो उठा लेगा, ठीक है। उसी तरह से डैशबोर्ड में इन्होंने फिक्स नहीं किया है, वही 23, 24, तो पांचवी छठी करते हुए ये अपनी 10 वैल्यूज़ वो यहाँ पे दिखा देगा। जैसे यहाँ चेंज होगा, ये आपका डेटा इस तरह से चलेगा, ठीक है। आपको ये समझ आ गया कि अब सॉर्ट भी कैसे हो रहा है, ठीक है। सॉर्ट का ऑर्डर लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कैसे चेंज हो रहा है ना, क्योंकि वहाँ डेटा चेंज हो रहा है। तो ये सेक्शन समझ में आ गया, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगाओगे इसमें, कि इसको कैसे पता पड़ेगा कि यही वाले सेल हाईलाइट करने हैं, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए इसने क्या कर रखा है, यहाँ इसके बगल में ही इन्होंने ये देखो E6, ठीक है। यहाँ पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 1। इन्होंने क्या किया है, इसका जो फॉर्मेट है नंबर फॉर्मेट में, कस्टम में 3 सेमीकॉलन डाल दिए। अगर मैं जनरल करूँ तो यहाँ वैल्यू देख सकते हो आप, ठीक है। तो इनको 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 और इनको मैं जनरल फॉर्मेट में दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हैं इनके आगे। अब जब यहाँ की वैल्यू, मतलब KPI 2, 1, 2, 3, 4 कहाँ आ रहा है, सॉर्ट बाय में, ठीक है, वहाँ की वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर हो तो ये हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन इन्होंने कुछ ऐसे बनाई है, अगर आप देखो इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, मैनेज रूल में जाता हूँ, तो ये आया है कि E6 इक्वल टू माई सॉर्ट क्राइटेरिया, तो ये फॉर्मेट कर दे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे जो लगा रखा होगा इन्होंने, लगा रखा होगा H6 इक्वल टू माई सॉर्ट क्राइटेरिया, तो फॉर्मेट। तो हर एक इन सेल पे इन्होंने जाके रूल पकड़ा रखे हैं कि अगर ये E6 इक्वल टू ये है तो H6 इक्वल टू ये है तो ये हाईलाइट हो जाए, K6 इक्वल टू ये है तो हाईलाइट हो जाए, इस तरीके से, ठीक है। माई शॉर्ट रेंज एक नेम्ड रेंज है, क्लियर हुआ ये कैसे हाईलाइट कैसे होगा। अब फाइनली हाँ जी, तीन टाइम्स सेमी कॉलन, वो उससे क्या होता है ना कि आपका कोई भी कलर बेशक यहाँ हो वैल्यू नहीं दिखाई देती कस्टम में, हाँ। तो उसने 3 बार सेमी कॉलन डाल दिया तो ये वैल्यू यहाँ नहीं दिखाई देगी, पर यहाँ दिखाई देगी फॉर्म, मतलब कि आपका यहाँ पता नहीं पड़ेगा कुछ लगा हुआ है, ऐसे ही सबके ऊपर कर रखा था इन्होंने, ठीक है। तो इसमें अब हमारा सबसे लास्ट बचा जो चार्ट, ये चार्ट कैसे बना है, कैलकुलेशन में आते हैं। सबसे लंबी जो है चार्ट की कैलकुलेशन है, यहाँ तक सब आसान था। अब चार्ट के लिए ये इन्होंने डाटा बनवाया हुआ, ठीक है, KPI 1 के लिए। जैसे KPI 1 में ये चार्ट लगा हुआ, ये सेक्शन है, ठीक है। इसमें इन्होंने नॉर्मल सा देखो ब्लैक में क्या फार्मूला लगाए हैं, डैशबोर्ड E8 ग्रेटर देन इक्वल टू E9, डैशबोर्ड E9। अब ये क्या है, टारगेट है, डाटा E9 में क्या है, टारगेट है। अगर तुम्हारी E8 की वैल्यू, डैशबोर्ड E8 ग्रेटर देन इक्वल टू E9, परसेंटाइल है क्या, ये डाटा E9 डैशबोर्ड E8, डैशबोर्ड E8 क्या है, डेटा डैशबोर्ड E8 मेरे ख्याल से यहाँ से लेकर यहाँ तक का डेटा है। अब यहाँ तक तो लिंक में लेके आए हैं, वहाँ और वो लिंक में ले गए हैं, यहाँ से लिंक इन्होंने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। E8 E9 E10 पूरे सबको चेक कर रहे हैं कि क्या ये टारगेट से ज़्यादा है, ठीक है। अगर टारगेट से बड़ा है तो वो वैल्यू आ जाए, अदरवाइज हैश एने करके एरर आ जाए। इसी तरह रेड सेक्शन में भी यही चेक करा रहा है कि अगर टारगेट से छोटा है तो वैल्यू आ जाए, अदर हैश एने करके आ जाए,
ठीक है, तो इसमें ब्लैक मतलब ज़्यादा है तो इसमें वैल्यू आ गई, अदरवाइज ये एनए आ गया टारगेट से बड़े छोटे के लिए। तो ब्लैक रेड एवरेज पूरे का निकला, इसका एवरेज, और इसमें मिनिमम कितना है, केपीआई में टोटल केपीआई में कौन सा मिनिमम है और कौन सा मैक्सिमम है। तो मिनिमम मैक्सिमम रेंज किस लिए बनाई है, ताकि चार्ट को दो सेक्शन पे, जैसे मैं एक कॉपी कर लाता हूँ चार्ट को, कैलकुलेशन में ये पेस्ट कर दिया, ये चार्ट है। अब इनका ये जो है मैक्स बार है, ठीक है, इसका मैक्स पे लिंक है, मिनिमम वाले का ये, तो मिनिमम मैक्सिमम बस जगह बनाने के लिए दिया है, ठीक है, कि स्टार्टिंग कहाँ से होनी है और एंडिंग कहाँ पे होनी है, ताकि चार्ट ऊपर नीचे ना जाए, ठीक है। और इसमें क्या क्या है, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज के लिए ये जो बार है वो इस पे लगी हुई है, ठीक है, और जो ये ब्लैक आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, रेड के सेक्शन में अभी कुछ नहीं है इसलिए एरर दे रहा है, ठीक है, ये रेड में कुछ नहीं है। तो ये वैल्यू अगर सॉर्ट नहीं होती है, मतलब केपीआई वन की जगह मैं कोई और कर देता हूँ, दो कर देता हूँ, तो इसका सेक्शन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, क्योंकि आप केपीआई टू सॉर्ट है तो E8 में, मतलब डैशबोर्ड के शुरुआत में, वहाँ कुछ और वैल्यू होगी, तो ब्लैक में आ रहा है, रेड में आ रहा है, ठीक है, टारगेट से बड़ा छोटा होने पे, एवरेज मिनिमम मैक्सिमम सेम ही रहता है, ठीक है। तो ये एवरेज का आपका ये हो गई, लाइन हो गई, जो इस लाइन को एवरेज टारगेट से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, तो जो टारगेट अचीव्ड है वो ब्लैक में आ रहे हैं, जो नॉट अचीव्ड है वो रेड में आ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ये इन्होंने चार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, इसका अगर देखना हो चार्ट का कि कैसे बनाया हुआ है, तो इसका डिज़ाइन में जाके ये सिलेक्ट डेटा वाला ऑप्शन यहाँ देख सकते हो, कि इन्होंने ब्लैक में रेंज में ऐसे सेटिंग ले रखी है। ये अलग अलग सेटिंग है, कौन सा चार्ट है ये अपना, बार चार्ट है एक नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल बार चार्ट है ये, यहाँ पे कुछ इस तरीके से देख, तो इनकी सेटिंग स्टैकिंग करके ऐसा बनाया हुआ, ठीक है। अगर आपको चार्ट आपने लगा दिया है, मान लो कि एक चार्ट लगा दिया है ये यहाँ से, वैसे तो सेटिंग ट्राई करोगे हो जाएगा, अगर ना हो मिनिमम ये चार्ट, इंसर्ट बार चार्ट, ठीक है, ये बार चार्ट हो गया। अगर ना समझ आए कि ऐसा फॉर्मेट कैसे करना है, तो बस इसको कॉपी करना है चार्ट को सिलेक्ट करके, और यहाँ पेस्ट स्पेशल में जाके फॉर्मेट्स मार देना है, सेम बन जाएगा, ठीक है। पेस्ट स्पेशल में फॉर्मेट आ जाएगा, तो सेम आपको दिख जाएगा चार्ट कैसे बनना है। और एवरेज वाला कहाँ है, सिलेक्ट डेटा एवरेज, एवरेज वाला दिखाई नहीं दे रहा इसमें, एक ये हो गया,
एक रेड हो गया, एवरेज वाला, एवरेज वाला करना है चेंज चार्ट टाइप, और इसको लाइन में कर देना, लाइन में पूरे को नहीं, दोबारा से करता हूँ, चेंज चार्ट टाइप, यहाँ पे सेक्शन आएगा कौन सा वाला करना है, मैंने कहा एवरेज वाला करना है, जो कि बदलना है लाइन में, प्लेन लाइन वाला, ओके, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज इन्होंने सेकेंडरी एक्सिस पे डाले, और मिनिमम मैक्सिमम एवरेज और लाइन, और बाकी ये ब्लैक और रेड प्राइमरी एक्सिस पे लाइन, ओके, शो नहीं कर रहा है लाइन का कलर, ब्लैक ब्लैक, हाँ हाँ इसमें तो आ गया, ये ब्लैक रेड एवरेज, एवरेज वाला इसमें देख लेते हैं कौन से एक्सेस में, ये बता देगा अपने आप, एवरेज क्लस्टर्ड स्कैटर, स्कैटर विद स्ट्रेट, दो क्लस्टर्ड बार हैं, बार चार्ट है, एवरेज वाला लाइन चार्ट है, और मतलब चार्ट टाइप में करके हर एक का चार्ट टाइप चेंज कर सकते हो, स्कैटर ने ये ले रखा है, स्कैटर में भी कलर चेंज कर रखा है, स्कैटर और ये बार चार्ट, मिनिमम बार, चलो जो भी हो, कलर चेंज करने से अभी इन्होंने कलर हटा रखे हैं ना, इसलिए इनका इसमें दिखने है। हैं? इसका देख लेना फॉर्मेट में जाके, नहीं कहा गया यार, फॉर्मेट प्लॉट एरिया, यहाँ से आ जा, ये रेड आया, एवरेज आया, लाइन सॉलिड लाइन कलर, लाइन शो नहीं कर रहा है यार इसमें, चलो देख लेना एक बार, ठीक है, मैनुअल लगा के आप कर सकते हो वैसे अपने आप से, ठीक है, तो ये वाला एक बार ना प्रैक्टिस करके देखना है, कैलकुलेशन समझ में आ गई कैसे हो रखी है, इसी तरह जैसे पहले केपीआई का है, फिर दूसरे का है, इसी तरह से बना रखा है, तीसरे का है, चौथे का है, पाँचवें का है, ठीक है, पाँच केपीआई में फिर इन्होंने ये चार्ट वहीं से दिया हुआ है, ठीक है, बाकी यहाँ पे इन्होंने फार्मूला दिया, जैसे ये एरो सब पता पड़ रहा है, तो ये ई, ये सी पता है कहाँ से लिया है, इसको लिया है कैरेक्टर मैप होता है ना, कैरेक्टर मैप, इंसर्ट सिंबल, इंसर्ट सिंबल, यहाँ से इन्होंने वो विंगडिंग में से तीर का निशान लिया है, विंगडिंग, ठीक है, मानो कि ऊपर नीचे के लिए मैं कुछ और ले लेता हूँ, ये दोनों लेने हैं मैंने, तो इसको मैंने क्या किया, इंसर्ट करेक्टर
कहीं अलग से कर लो, यहाँ कर लेते हैं सिंबल विंगडिंग। विंगडिंग ये एक ये ले लिया इंसर्ट और ये इंसर्ट क्लोज। तो ये एल एम करके विंगडिंग टू में है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सीधा एल और एम कर दूँ, एल अप के लिए एम डाउन के लिए, या वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे से फॉन्ट चेंज कर दूँ इसका विंगडिंग टू, ठीक है। तो ये अप आ गया इसको चाहे, और यहाँ ये डाउन, ठीक है। इस तरीके से फॉन्ट बड़ा कर सकते हैं जैसा भी दिखाना हो इसको, ठीक है। तो अप डाउन, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या कर रखा है इन्होंने, जहाँ मैक्सिमम पोजीशन है E5 इक्वल टू ग्रेटर देन 1, अगर 1 से ज़्यादा है तो ये साइन दिखाता रहे, अदरवाइज ब्लैंक हो जाए। और नीचे वाले में E5 लेस देन E6, E6 मतलब जो मैक्सिमम पोजीशन थी वहाँ, ठीक है। तब तक ये दिखाता रहे, अदरवाइज ब्लैंक कर दें। तो ये फार्मूले लगे हैं, इसके अलावा दो फार्मूले यहाँ इन्होंने एक्सेल में भी लगा रखे हैं, परसेंटाइल वाला जो है कि अगर परसेंटाइल से छोटा है, परसेंटाइल में कंप्लीट डेटा से उसके एपीआई में, तो ऐसा साइन दिखाए, अदरवाइज ये साइन दिखाए, ठीक है। छोटा है बड़ा है, यहाँ जो परसेंटाइल ले रखा है, ठीक है। तो ये फार्मूले लगे हैं जिससे आपका पूरा ये चार्ट बना है। तो ये आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है।